नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि आखिर वो क्या कारण है कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म सुपरहिट होने जा रही है। इस फिल्म ने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया है जो भारतीय फिल्म इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। थिएटर्स के भीतर भारत माँ की जय जयकार के नारे लग रहे हैं, पूरा हॉल राष्ट्रगान गा रहा है, लोग आंसू बहा रहे हैं और इस फिल्म के शो सुबह के 6 बजे से लेकर अगली सुबह 3 बजे तक लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो मैं इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करूंगा कि आखिर क्यों ये फिल्म सुपरहिट है। पहली बात तो ये कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही दर्दनाक है और इसका फिल्मांकन कुछ इस तरह किया गया है कि वो दर्शकों की आंखों में आंसू ला देता है। महिलाओं और बच्चों पर जिस तरह अत्याचार किया गया उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये फिल्म बताती है कि कश्मीर के लोगों के साथ कैसा अन्याय किया गया। 2, इस फिल्म में विषय की गंभीरता को बरकरार रखा गया। इसके पहले कई फिल्में आई, 1992 में रोजा आई थी, 2000 में मिशन कश्मीर आई थी, 2014 में विशाल भारद्वाज की हैदर आई थी, 2019 में हामिद आई थी, विधु विनोद चोपड़ा की शिकारा आई थी, लेकिन इन सब फिल्मों में कश्मीर को उस संजीदगी से नहीं दिखाया गया जिस संजीदगी से इस फिल्म में पूरे मुद्दे को दिखाया गया है। मेरे ख्याल से ये इस फिल्म की कामयाबी का एक प्रमुख कारण है। 3, इस फिल्म का एक गदर मोमेंट है। अगर आपने गदर फिल्म देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था, वो डायलॉग सनी देओल बोलते हैं, अशरफ अली हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो कुछ ऐसा ही मोमेंट इस फिल्म में भी देखने को मिला जो लोगों को बहुत बहुत लुभा गया। 4th बात इस फिल्म में मुझे यह लगी कि इस फिल्म के डायलॉग बहुत जबरदस्त हैं, एक से बढ़कर एक डायलॉग है। आमतौर पर फिल्मों में मिर्च मसाला होता है लेकिन इस फिल्म में केवल मिर्च मिर्च और मिर्च है, इसलिए फिल्म में कड़वाहट आ गई है। लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग बहुत ही संजीदगी से बोले गए हैं। जैसे एक डायलॉग है, टूटे हुए लोग बताते नहीं हैं, उन्हें सुनना पड़ता है। टूटे हुए लोग बताते नहीं हैं, उन्हें सुनना पड़ता है। ऐसे ही एक पत्रकार के बारे में जब वो बोलता है कि मैं केवल रिपोर्ट करता हूं, क्या दिखाया जाता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, तो एक कमेंट है, तो फिर खुद को जर्नलिस्ट क्यों कहते हो, पोस्टमैन क्यों नहीं कहते। ऐसे ही कई सारे डायलॉग है। एक और डायलॉग है, जब भारत भी कश्मीर की तरह जलता हुआ भारत बनेगा तब क्या आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, संजीदगी से विचार करेंगे, ये आशय था। और एक और डायलॉग बहुत ही मुझे मार्मिक लगा, वो ये कि जुल्म तो कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुए हैं तो, लेकिन उन्होंने तो कोई हथियार नहीं उठा लिए। ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छे लगे। 5, मुझे लगता है कि ये फिल्म जिस तरह से फिल्माई गई है वो वास्तविकता के काफी करीब है। ये फिल्म लोगों को अंदर तक हिला देती है। एक कश्मीरी पंडित आतंकियों से डर कर एक कोठी में छुप जाता है जिसमें चावल भरे हैं और उस कोठी के बाहर AK-47 से आतंकवादी उसे छलनी कर देते हैं और उसका खून बहता हुआ छेदों में से बाहर आता है और चावल के ढेर में बिखर जाता है। तभी एक आतंकी उस चावल को मुट्ठी से उठाता है जिसमें जो खून से रंगे हुए चावल है और उसी पंडित परिवार की बहू से कहता कि अगर वो इन चावलों को खाएगी तभी उसके परिवार के लोगों की जान बच सकती है वरना सारे लोगों को मार डाला जाएगा। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। ऐसे ही एक और दृश्य, आतंकी पुलिस की वर्दी में कश्मीरी हिंदुओं को, 2 दर्जन कश्मीरी हिंदुओं को लाइन से खड़े कर देते हैं और वे एक एक करके सबको गोलियों से भून देते हैं। यहाँ एक तकनीकी दिक्कत जरूर है कि कोई रिवॉल्वर अभी ऐसी नहीं बनी जो 24 गोलियां या 26 गोलियां एक के बाद एक चला दे, लेकिन ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। एक और बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है जब कृष्णा पंडित के पिता को बुरी तरह मारने के बाद एक उसकी मां को आरा मशीन के भीतर बीच में रख के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, हृदय विदारक दृश्य था और जिसने भी देखा वो उस दृश्य को भूल नहीं सकता। 6, मुझे लगता है कि इस फिल्म की एक और अच्छी कड़ी है कि इस फिल्म के लिए बहुत रिसर्च की गई है,
ऐसा विवेक अग्निहोत्री का कहना है। उनका कहना है कि इस फिल्म के लिए 5,000 घंटे की रिसर्च की गई, 15,000 पेज के डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए और पल्लवी जोशी ने असली पीड़ितों से मिलने के लिए पूरी दुनिया की यात्राएं की और 700 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए। ये अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है, कही जा सकती है। साथ इस फिल्म को देखते हुए आपको बहुत सारे किरदार ऐसे मिलते हैं आप जिनको जिनकी कल्पना कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते कि ये किरदार फारूक अब्दुल्ला है, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद है, ये शायद राजीव गांधी है और ये आतंकवादी नजीबुद्दौला है। बेनजीर भुट्टो का बयान तो टेलीविजन पर दिखाया ही गया था। ये भी देखने में आता कि फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा किस तरह से है, उसकी शक्ल भी देखी जा सकती है और भी कुछ आतंकियों को आप देखकर पहचान सकते हैं जिनकी खबरें जिनकी तस्वीरें आप तमाम स्थानों पर देखे जा सकते हैं। 8 इस फिल्म की एक और बात यह है कि ये कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयान करती है। ये फिल्म बदले की भावना के लिए प्रेरित नहीं करती जैसा कि कई मशहूर फिल्मों में होता है। आपने देखा होगा स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म म्यूनिक, उसमें 11 इजरायली एथलीटों की म्यूनिक ओलंपिक में हत्या कर दी जाती है और उन्हीं सब को उन्हीं सब आतंकियों को मारने के लिए इजराइल की एक खास खुफिया एजेंसी पहल करती है और एक एक करके लोगों को मारती है। इस फिल्म में ऐसी बदले की भावना नहीं दिखाई गई है, मुझे लगता है ये इस फिल्म की एक खूबी है। 9 इस फिल्म की 9वीं खूबी मुझे लगी कि इस फिल्म के हिट होने का कारण मेरी राय में यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म की सराहना कर चुके हैं। उनका देखा देखी कई लोगों ने भी इस फिल्म की सराहना की जो मंत्री हैं या महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री किसी फिल्म को रिलीज होने के बाद प्रशंसा करें। और 10वीं बात ये लगी कि ये फिल्म कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दी गई है और टैक्स फ्री होने से इस फिल्म के शो सस्ते हैं, लोग इसके टिकट अफोर्ड कर पा रहे हैं। और तो और कई लोगों ने कई संस्थाओं ने सोशल मीडिया पर इस तरह का अभियान चलाया कि अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हमें सूचित करिए, हम आपके टिकट की और आपके आने जाने की व्यवस्था करेंगे, मुफ्त में हमारी ओर से फिल्म देखिए। तो ऐसे अभियान जब किसी फिल्म के लिए चलते हैं तो जाहिर है कि फिल्म का सुपरहिट होना होता ही है। आज मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर आपकी राय में कोई और बात है जिसके कारण ये फिल्म सुपरहिट हुई है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि भाई आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे जुड़े।